अभी मेरा साइकिल का टायर पंचर हो गया, तो पता नहीं कहाँ से डॉक्टर के होगा। पास कराऊँ यहाँ पे तो परमिशन लेनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। देखो इन्हें बड़े बड़े पीस डालिए। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ऑल हिमाचल एडवेंचर। तो मैं हूँ ये आपका रोहित ठाकुर। तो अभी मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ ऊना में। तो यहाँ से मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी आज, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ वैसे ऊना। तो मैं आगे जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ नंगल डैम। तो यहाँ से वैसे मैं 20-25 किलोमीटर चल के आ चुका हूँ। तो आगे चला हूँ, अभी चलते फिर आगे साथ पहुँच के आज नंगल डैम तक जाऊँगा। आज पहुंच गया अभी ऊना बस स्टैंड। तो ये रहा ऊना का बस स्टैंड। तो यहाँ से जा रहा हूँ आगे, यहाँ से अभी बहुत दूर है। तो लगभग मैं अभी घर से जो है 25 किलोमीटर आगे आ गया हूँ, 25-26 किलोमीटर आगे। तो आगे अभी बहुत सफ़र है। अभी मेरा साइकिल का टायर पंचर हो गया, तो पता नहीं कहाँ से हुआ। तो चेक करता हूँ अभी इसे खोल के कहाँ से हुआ पंचर ये। और बीच हाईवे में यहीं पे रक्कड़ में पंचर हो गया है। ये हुआ भाई, इस पंचर ने बड़ा परेशान करा हुआ है। ये फिर से हो गया यहाँ पे। तो अभी लगा रहा हूँ इस पंचर को, ट्यूब डलवाने आया। तो वो ट्यूब जो थी वो पूरी डैमेज हो गई हुई है, तो इस करके मैंने नई ट्यूब डलवाने आया शोरूम में। तो यहाँ फायरफॉक्स के शोरूम में, तो अभी इस पर लगाते हैं ट्यूब को। तो भाई अभी नई ट्यूब डलवानी पड़ी है, थोड़ा सा टायर जो है बेंड खाना शुरू होगा, टेढ़ा चल रहा अभी, तो उसे सही करूँगा। तो भाई अभी ट्यूब डलवाई बाइक स्टोर में, तो अभी चलता हूँ आगे। ये था रक्कड़ में अभी। तो यार क्या अच्छा खासा चलते चलते ट्यूब फट गई पूरी की पूरी। तो अभी आगे चलाऊँ, मैं आगे चलता हूँ फिर अपने सफ़र पे। अभी मैं लाल खाने के लिए आ गया यहाँ पे, पहले भी आया हूँ। तो भाई ले लगी नान की प्लेट, तो भूख लगी हुई है। अभी ये नान खाते हैं फिर आगे चलेंगे। साइकिल मेरा वो रहा, अभी रेस्ट कर रहा हूँ, वो भी तो खा के चलते हैं आगे। तो भाई अभी पेट पूजा होगी, तो अभी आगे चलता हूँ यहाँ से, अगला सफर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया अभी मैथपुर के पास, मैथपुर बैरिकल के पास। तो अभी आगे जा रहा हूँ यहाँ से। तो ये रहा मैथपुर बैरिकल। तो अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ एनएफएल कॉलोनी के पास नंगल। अभी मैं नंगल में उस पर यहाँ का जो है से। तो भाई अभी मैं हूँ एनएफएल कॉलोनी के पास नंगल। तो ये नंगल डैम के पास पहुँच गया हूँ अभी। तो मैंने आगे जाना भाखड़ा बांध। तो भाई मैं हूँ इस वक्त नंगल डैम के पास। ये दूसरी नहर है, पहली नहर दूसरी साइड थी, तो मैं इसे पार करके आगे आ गया हूँ काफ़ी। तो अभी चलूँगा सीधा भाखड़ा बांध की तरफ। भाखड़ा बांध जहाँ से लगभग 13 किलोमीटर है यहाँ से, तो अभी जाऊँगा यहाँ से भाखड़ा बांध के लिए लेफ्ट साइड को होना पड़ेगा। अभी मैं PVMB की कॉलोनी के पास पहुंचा हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी आगे आ गया हूँ। तो मुझे लगभग 10-12 किलोमीटर का भाखड़ा बांध वहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं दफ्तर के पास खड़ा हूँ यहाँ पे, तो परमिशन लेनी पड़ेगी आगे जाने के लिए, तो लाइन में लगा हूँ अभी। मेरा बन गया एंट्री पास भाखड़ा बांध के लिए, तो अब चलते हैं आगे के लिए। तो भाखड़ा बांध यहाँ से 11 किलोमीटर है लगभग, तो चलिए फिर चलते हैं। वो सामने पहाड़ दिख रही है वहाँ पे है, तो सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर चलना है ना, थोड़ा उससे आगे भी जाऊँगा। तो ये देखो भाई ये रोड भाखड़ा बांध के लिए यहाँ का,
भाखड़ा डैम की स्पेशल मच्छी यहाँ की मशहूर है। तो इधर कटिंग हो रही है, देखो इतनी सारी जो मच्छी है, मसाले लगी हुई है, तो मैं मसाले लगा हुआ लूंगा तो आगे जाऊंगा। ये है भाई फिश मार्केट, यहाँ पे सारी सारी फिश मिलेगी। यहाँ पे सारी सारी दुकानें हैं जो डैम के पास है इधर, तो मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ से। तो चलते, तो ये है भाई यहाँ पे बोटिंग वाली जगह, ये हाईवे के साथ ही है। तो नीचे अभी चलता हूँ मैं, ये भागड़ा बांध के यहाँ पे ढाबे वगैरह भी खुले हुए। ये है भाई बोटिंग स्टेशन, ये देखो ये आ गया बोट भाई, ये देखो। तो भाई मैं हूँ इस वक्त भागड़ा बांध के पास, तो अभी मैं आ गया आया हूँ। तो ये जो है भागड़ा बांध का स्पेशल यहाँ पे बोटों बोटिंग है, यहाँ पे जो बोटिंग वगैरह होती है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो क्या नज़ारा भाई। तो अभी आगे चलता हूँ, कुछ खाने के लिए बनाएंगे आगे। मैं यहाँ से अब वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा आगे भी जाना है, तो साइड में बैठ के कहीं कुछ बनाते हैं, फिर चलेंगे वापस यहाँ से। गाँव में हूँ तो यहाँ से नीचे जा रहा हूँ, तो नदी के साइड पे यहाँ पे बैठ के कुछ बनाऊंगा। ये देखो भाई क्या शानदार व्यू है यहाँ का। तो भाई अभी मैं हूँ भाखड़ा बांध के पास, तो ये भाखड़ा गांव है, यहाँ पे मैं अभी रुका हुआ, तो फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा, मुँह मत हो, उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाऊंगा। तो अभी मैं नदी के पास जा रहा हूँ यहाँ पे। जो मैं अभी फिश लेके आया हूँ उसे बनाऊंगा अभी खाने के लिए यहाँ पे। तो ये थी मक्खन की टिक्की, इसमें बनाऊंगा अभी। ये थी मसाला लगी हुई है, तो ये थी भाई देखो इन्हें बड़े बड़े पीस डालिए।
ये भाई ब्राउन होनी शुरू हो गई, पक गई बढ़िया सी। तो भाई ये बनाई थी मैंने फिश मच्छी, कुछ ऑमलेट बनाया खाने के लिए, तो भी खाते हैं इसे यहाँ पे। ये था भाई भाखड़ा बांध के पास का नज़ारा। ये आज कुत्ते पड़ गए मेरे को, ये तीन शिकारी खड़े देख रहे कब जाऊं तो कब ये हमला बोलेंगे पीछे से। तो भाई आज था मैं भाखड़ा बांध आया हुआ, वैसे यहाँ पे परमिशन नहीं थी तो जिस करके वीडियो तो नहीं बना पाया यहाँ पे, तो बीच रास्ते में मुझे तो आगे जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना कैसी लगी वीडियो। तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा आज, तो फिर चलते हैं आप।